अच्छा जी, थ्री किंगडम सिस्टम को हमने ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। ये वीडियो उसी की कॉन्टिन्यूटी में उसका सेकंड पार्ट है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइव किंगडम सिस्टम को। ड्यू टू देयर प्रीवियस लिमिटेशंस ऑफ थ्री किंगडम सिस्टम एंड टू किंगडम सिस्टम, उनमें लिमिटेशंस ये थी थ्री किंगडम सिस्टम में कि साइंटिस्ट ने ये नहीं बताया था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक टर्म्स को नहीं एक्सप्लेन किया गया था। उसमें स्टिल थर्ड किंगडम सिस्टम जो था उसमें फंजाई लाइक एनिमल्स या फंजाई लाइक जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्लेस करने की प्रॉब्लम थी। तो उन लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट का नाम था ई चैटन। 1937 में उसने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट्स का मतलब ये होता है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, मींस के जिनके जो यूनिसेलुलर होते हैं, जिनकी बॉडी एक सेल पे बेस करती है, उनके अंदर प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनिलीज नहीं होते, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स के स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स नहीं होते उनके अंदर। उसके बाद प्रोकैरियोट यूकैरियोट की हम बात करते हैं कि यूकैरियोट में मतलब मल्टी सेलुलर भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सेल्स भी होते हैं। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोट्स में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनिलीज होते हैं जो सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, मीन्स कि वो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। जब यूकैरियोट की बात आती है तो वो मतलब कि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ई चैटन, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टर्म को इंट्रोड्यूस कराने के बाद रॉबर्ट वेटकर ने फाइव किंगडम सिस्टम की बेस रखी। ठीक है, रॉबर्ट वेटकर ने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक टर्म्स को बेस बनाते हुए उसने ये कहा कि हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं, हम उनको फाइव किंगडम सिस्टम की क्लासिफिकेशन में उनको कंसिडर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू पॉइंट्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हम ये दो पॉइंट देखेंगे, उसके बाद उनको किंगडम की क्लासिफिकेशन की तरफ हम लेके जाएंगे। मीन के पहला पॉइंट ये था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखेंगे कि वो ऑर्गेनिजम्स अपनी जो खुराक है वो किस बेस पे प्रिपेयर करते हैं। मीन्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ये देखते हैं कि क्या वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर उनके पास क्लोरोफिल होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद अगर वो एब्जॉर्प्शन उनका मतलब कि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है तो वो किस तरह से अपनी खुराक बनाते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हम ये देखेंगे क्या वो इंजेस्ट करते हैं, मतलब कि जैसे ह्यूमन बींग्स की हम बात कर लें ना, ठीक है। उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन के वो अपनी खुराक किस तरह से हासिल करते हैं। सेकेंड पॉइंट जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि उनकी बॉडी जो है वो प्रोकैरियोटिक है या सिंपल यूकैरियोटिक है या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये दो पॉइंट को बेस बना के रॉबर्ट वेटकर ने फाइव किंगडम सिस्टम की बेस रखी। सबसे पहले रॉबर्ट वेटकर ने क्या किया, जो पहला किंगडम इंट्रोड्यूस कराया वो किंगडम मोनेरा था। किंगडम मोनेरा में इन दो पॉइंट्स को बेस रख के ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम देख लें, मीन्स के किंगडम मोनेरा में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं कि किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी बॉडी कैसी होगी, प्रोकैरियोटिक होगी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक या मल्टी सेलुलर। तो मोनरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोट्स होंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, मतलब उनकी बॉडी एक सेल पे बेस करती होगी, ठीक है। उसके बाद उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं कि किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो अपनी खुराक किस तरह से बनाते हैं। तो वो देखते हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, मींस कि अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं किंगडम मोनेरा के जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, मींस कि उनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल होता है और वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तो इनकी एग्जाम्पल हम लेते हैं बैक्टीरिया एंड सायानो बैक्टीरिया की। किंगडम मोनेरा के जो ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल्स हैं, सायानो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ्स हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल, इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, तो दे आर कंसीडर्ड ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हम हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। तो नॉर्मल, इसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया हैं वो अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उनका हेटरोट्रॉफिक है। तो ये किंगडम मोनेरा की बात कर रहे थे हम, तो उसको हमने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे क्लासीफाई कर लिया। उसके बाद सेकेंड किंगडम जो था किंगडम प्रोटेस्टा। तो जो प्रॉब्लम थी मतलब कि प्रीवियस प्रॉब्लम लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए फिर से हम लोग ये देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को बेस बनाते हुए इस किंगडम को हम क्लासिफाई करते हैं कि किंगडम प्रोटेस्टा में अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मींस के यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर बॉडी होती है उनकी, होते तो वो यूकैरियोट्स हैं
मतलब बॉडी उनकी मतलब एक सेल पे बेस करती है। तो उनमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर तो है लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर है, मीन्स कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स थे, ये उनसे थोड़े कम्प्लेक्स होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आगे मूव करते जाएंगे तो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती जाएगी, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं इसमें, यूकेरियोटिक सिंपल मल्टी सेलुलर की हम बात करते हैं तो इनकी थ्री टाइप्स हैं। जो प्रोटेस्टा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हम थ्री टाइप एग्जाम्पल लेते हैं, मीन्स के फर्स्ट एलजी। अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात तो यहाँ हमारे पास हो गई, अब हम मोड ऑफ इसकी बात करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो एलजी हमारे पास जो है ये प्रोटेस्टा में आते हैं, और एलजी जो है इनका ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटोजोन्स जो हैं उनकी बॉडी जो है हमारे पास उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फॉर एग्जांपल हम अमेबा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम क्लेमेडोमोनास लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसकी पैरामीशियम की एग्जांपल लेते हैं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक होता है, वो चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म, फंजाई नहीं है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन की बेस पे था। अब ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी देख लिया हमने और इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी देख लिया। तो प्रोटेस्टा में थ्री टाइप के ऑर्गेनिज्म, मींस के किंगडम फॉर किंगडम प्रोटेस्टा में एलजी, प्रोटोजोन्स और फंजाई लाइक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। उसके बाद हम मूव करते हैं बेसिकली थर्ड किंगडम सिस्टम में जो प्रॉब्लम थी कि फंजाई को कहाँ पे प्लेस किया जाए। तो रॉबर्ट वेटकर ने जो किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया उसमें किंगडम फंजाई को एक अलग किंगडम दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे थे कि जो प्लांट लाइक थे और कुछ ऐसे थे जो एनिमल लाइक थे, तो इसको एक अलग किंगडम देना पड़ा। तो सबसे पहले हम इसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि फंजाई की जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है। वो यूकेरियोटिक मींस के मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं, मोनेरा प्रोटेस्टा से थोड़े कम्प्लेक्स हैं, ठीक है। किंगडम फंजाई के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रीवियस किंगडम से थोड़े कम्प्लेक्स हैं, उनकी बॉडी इनसे ज़्यादा कम्प्लेक्स है, मींस के यूकेरियोट्स तो हैं लेकिन मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं। प्रीवियस में हम सिंपल मल्टी सेलुलर की बात कर रहे थे, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनकी डिफाइन हो गई कि ये मल्टी सेलुलर है, यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर है। उसके बाद हम इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं कि ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं या नहीं बना सकते। दे आर हेटरोट्रॉफ्स, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता जस्ट लाइक प्लांट, लेकिन इनकी दे पोजेस सेल वॉल, इनकी जो सेल्स हैं उनके प्रोटेक्टिव लेयर जो जैसे प्लांट्स की होती है एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर, तो एनिमल्स में नहीं होती। एनिमल्स में सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट्स में एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसे सेल वॉल कहते हैं। तो फंजाई में भी सेल वॉल होती है लेकिन उसकी कंपोजिशन का फर्क होता है। जो प्लांट्स की सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी होती है और जो फंजाई की सेल वॉल है वो काइटन से मिलकर बनी होती है। तो ये हेटरोट्रॉफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। उसके बाद इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम ये देखते हैं कि ये मींस के फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है इनके पास, तो इसके अलावा ये इंजेशन भी नहीं कर सकते, तो एक प्रोसेस रह गया, ये एब्जॉर्प्शन करते हैं। फंजाई क्या करते हैं, डेड मटीरियल पे बेस करते हैं, मींस के डेड मटीरियल ऑर्गेनिक मटीरियल को कन्वर्ट करते हैं। फंजाई के पास एक स्पेसिफिक टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो प्रॉपर जिस डेड डिकेइंग मटेरियल पे वो एंजाइम सेक्रीट करते हैं और उनको डाइजेस्ट करने के बाद अपनी फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मशरूम्स की एग्जांपल ले लें, कॉमन मशरूम। उसके बाद अब हम मूव करते हैं किंगडम प्लांटी की तरफ, तो सिंपलेस्ट से हम कम्प्लेक्स की तरफ स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहे हैं। तो किंगडम प्लांटी में कैसे ऑर्गेनिजम्स थे, सबसे पहले हम फिर वही देखते हैं कि उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे हम। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इनमें यूकेरियोटिक मतलब के मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट में उनकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होती है। उसके बाद हम उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं बिकॉज इनके पास क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से ये अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और किसी पर डिपेंडेबल नहीं होते। तो इनकी एक मतलब एग्जाम्पल हम लेते हैं जस्ट लाइक मोसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे जो हैं ये हमारे पास किंगडम प्लांटी में कंसिडर किए जाते हैं। और एक स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि ये इनमें मूवमेंट नहीं होती, कि प्लांट अपनी जगह से मूव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम किंगडम एनिमिलिया की तरफ मूव करते हैं, जो सबसे कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, मींस के एज कम्पेयर टू मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड किंगडम एनिमिलिया की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रीवियस फोर किंगडम से सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स और स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स हैं।
किंगडम एनिमिलिया का हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ये मतलब मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स की बात करते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये, मल्टी सेलुलर हैं, मीन्स कंज्यूमर्स हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंडेबल है, मीन्स के प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब हेटरोट्रॉफ है, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं हेटरोट्रॉफ्स की, अगर ये कंज्यूमर हैं तो ये हेटरोट्रॉफ ही होंगे। हेटरोट्रॉफ का मतलब अपनी खुराक नहीं बना सकते, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह अब हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन भी नहीं करते, एक हमारे पास रहेगा इंजेस्शन करते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को इंजेस्ट करते हैं, निगलते हैं। अब मतलब कि ये हमारे पास फाइव किंगडम सिस्टम था रॉबर्ट वेडगर का। अब आप लोगों की बुक में एक वायरस का जो बताया गया है कि एक हेडिंग दी गई है छोटी सी, तो बात ये थी कि अब इस फाइव किंगडम सिस्टम में हम बैक्टीरिया की बात कर चुके हैं, हम फंजाई की बात करते हैं, हम प्रोटोजोन्स की बात करते हैं, हम प्लांट्स एनिमल सब की बात करते हैं, हमने वायरस की बात क्यों नहीं की? क्यों हमने वायरस को एक इस फाइव किंगडम सिस्टम में क्लासिफाई नहीं किया? वायरस की जगह इस फाइव किंगडम सिस्टम में क्यों नहीं थी? क्योंकि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, तो वायरस की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो वायरस जो है वो मींस के बॉर्डर लाइन पे है, ना वो लिविंग है और ना वो नॉन लिविंग है। उसमें एक ये एबिलिटी पाई जाती है कि कुछ वायरसेस में डीएनए और आरएनए भी होता है, मींस के कुछ डीएनए बेस वायरसेस होते हैं, कुछ आरएनए बेस होते हैं, तो उसकी बेस पे हम उसे कंसिडर करते हैं कि ये लिविंग भी हैं। लेकिन आउटसाइड द बॉडी जो है, अगर वायरस इन्वायरमेंट में है तो वो ए सेलुलर होगा, मीन्स के वो जिंदा नहीं है। जब वायरस को डिवाइड होने के लिए या इसको अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एक लिविंग होस्ट की ज़रूरत होती है, जब ये वायरस किसी लिविंग मीडियम की तरफ जाता है देन ये एक्टिवेट हो जाता है और अपनी डिवीजन स्टार्ट करता है। तो वायरसेस जो है हमारे पास नॉन लिविंग भी हैं और लिविंग भी हैं, इनका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसकी वजह से हमने इसे इस फाइव किंगडम सिस्टम में प्लेस नहीं किया। वायरसेस मतलब काफ़ी पैथोजेनिक भी होते हैं, जैसे जस्ट लाइक पोलियो वायरस, जस्ट लाइक हमारे पास हेपेटाइटिस सी का वायरस है, आजकल काफ़ी ये कोरोना ने उधम मचाई हुई है, कोरोना का भी वायरस है। तो ये वायरसेस हमारी बॉडी में, इनको एक होस्ट चाहिए डिवाइड होने के लिए, तो इसको बाकी इन ऑर्गेनिजम्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। ये हम लिविंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसकी वजह से हम ये जब इन्वायरमेंट से बाहर होता है तब ये नॉन लिविंग होता है, जब ये इन सारी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हमने बात की इनमें से किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये इन्वेड करता है देन ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।